वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। हमारे आईब्रोज वाइप हो रहे हैं भाई, पहला जल्दी तैयार हो रही है। आज क्यों इतनी जल्दी उठ के तैयार हो रहे हो? नवमी है ना आज। गुड मॉर्निंग मौसी। और मम्मी की इधर खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अभी काली सब्जी बनेगी आज। इसमें क्या है मम्मा? राइस है। चलो चलो भाई निकलते हैं ड्राइविंग के लिए। एज यूजुअल गाइस, अपने ड्राइविंग स्कूल वाले नहीं आए हैं। मैं आके पहले खड़ा हो चुका हूँ इधर। अभी ड्राइविंग स्कूल वालों का वेट करेंगे। गाइस अपनी कार आ चुकी है हेलमेट बैक सीट पे। तो गाइस अपनी तो ट्रेनिंग हो चुकी है आज। तो दो सेशन हुए, तो आज शायद आठवां दिन है मेरा। चलिए फटाक से साइन बिन कर देते इधर। हेलमेट ले लेते भाई। चलो भाई निकलते हैं। तो भाई आज घर नवमी है ना, तो इसके लिए दूध चाहिए। हाँ 1.5 लीटर दूध और आनी साखर दे। साखर कितनी? 1.5 लीटर 1.5 किलो। और भाई पायल तो इधर प्याज कट कर रही है। आज पकोड़े बनेंगे ना घर में इसके लिए। ये क्या है भाई? ये क्या लाड़ प्यार चल रहा है तेरा? निकल इसको बाहर। चल देखो मेरे पैरों के ऊपर पैर रख दे। रख सकता है, रख रख। मारने का बोलने का रख रख। थैंक यू पायल फॉर द टी। तो गाइज मम्मा बना रही है पूरन पोड़ी। पायल एज यूजुअल उनको सेकने का काम कर रही है। यहाँ पे बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके। नहीं खाऊंगा नहीं, पहले तो जो हमारे घर पे, हाँ मौसी को खाना पड़ेगा पहले, फिर सब खाएंगे। क्योंकि आज एक लेडीज को खाना होता है पहले। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज, खा नहीं सकता पर। और ये चाय ठंडी कर दी पायल ने। आता लगे जब ऐसा ची। हाँ मैं तब तक ज्वाइन कर लेता ऑफिस, फिर देख लूँगा। नहीं छुट्टी नहीं लेता हूँ, क्या करूँगा छुट्टी लेके। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल हमारे घर पे आज हमारी मौसी जी आ चुकी है। और आज नवमी है, तो हमारे यहाँ पे कैसी ट्रेडिशन है कि नवमी होती है तो हमारे जो ग्रैंड मदर थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके मेमोरी में हम घर पे पूरन पोड़ी का जो खाना होता है वो बनाते हैं। और फिर जो एक लेडी, उनके लिए एक लेडी को बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, और वो पहले खाना खाती है एज अ ग्रैंड मदर। तो मतलब जब वो लेडीज खाती, जैसे आज मेरी मौसी खाना खाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो खाना हमारे ग्रैंड मदर जी ने खाया है। तो फिर उनको खाने, उन्होंने खाने के बाद सब लोग खाना खाएंगे। तो ऐसा होता है, मतलब पितृपक्ष बोलते हैं। पितृपक्ष नहीं सुने? पितृपक्ष हाँ, तो इसको मराठी में पितृपक्ष बोलते हैं। तो हाँ वही चीज होने वाली है। और आज वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। हमारे आईब्रोज वाइट हो रहे हैं भाई। लोगों की दाढ़ियाँ वाइट होती है धोनी की। लोग बोलते हैं धोनी की दाढ़ी सफेद हो गई क्योंकि उसको कैप्टेंसी का टेंशन। इसको किसका टेंशन है भाई? तेरी तो आईब्रोज ही वाइट हो गई। तो भाई गुड मॉर्निंग फिर से, और चलिए अपना काम फटाक से कर लेते हैं। तो गाइस आज खाने के लिए हमारी मौसी को स्पेशल ट्रीटमेंट है। खाने में बना है पूरन पोड़ी, दूध, इसमें थोड़ा सा शक्कर वगैरह डाला होता है, और ये है काला रस्सा, इसमें थोड़े पकोड़े वगैरह डाल के खाएंगे, पापड़, राइस, नींबू। तो मस्त आज खाना स्पेशल है, आज के दिन का महाराष्ट्रियन स्पेशल खाना है आज, पूरन पोड़ी और पकोड़े। मौसी ने अभी खा लिया है, अभी मैं खाऊंगा। तो गाइस फिलहाल अभी का सीन ऐसा है, अभी दोपहर के 1 बज रहे और हमारे जो अंकल जी है वो आ चुके हैं। मौसी और अंकल जी इधर से ही जाने वाले हैं घर सीधा कोल्हापुर, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए हैं। पायल आशीर्वाद ले रही है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा के पैच थे वो तो दे दे रहे हैं हम मौसी को, ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि हम भी जाने वाले हैं ना। इसमें पैच है, तिचत का है रे फटा। भागो, इसमें ये पायल ने सायरन बजा दिया। इमरजेंसी बटन दबा ले। पायल ने सबको एकदम अलर्ट कर दिया भाई। ये हमारे अंकल जी है, इनको काका बोलते हैं, मौसी और काका। और इनका कोल्हापुर में बिजनेस है, शुगर केन की फैक्ट्री के लिए कुछ तो सप्लाई करते हो। तो चलो अभी मौसी और हमारे अंकल जी जा रहे हैं। काका यात्रा भर का हाँ। बाय मौसी। कैसा लग रहा है मम्मा?
मिलके कैसा लगा मौसी को? अभी मम्मी को घर जाने की हो रही है, मम्मी बोल रही मुझे घर जाना है अभी। पायल तो भाई सेलिब्रेट करेगी, मजा आएगा महारानी। बोलेगी चलो निकलो अभी यहाँ से। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो एज यूजुअल, तीन दूध वाली चाय, एक बिना दूध वाली चाय। मम्मी मम्मी को तो बोर हो रहा है, मम्मी बोल रही है मुझे आज ही जाना था घर। सुनील को कब से बोल रही है मुझे घर जाना है ना मम्मा। मम्मी को अभी इधर निराशा हो रही है। I love you, अभी नींद से उठी है। सुनील की मीटिंग चल रही है और मैंने टक्कर दे दी एक बीच में। आज काफी बोरिंग डे जा रहा है मेरा, मतलब पता नहीं यार, मैं मतलब कल से जब से नासिक से आया ना बहुत डल डल फील कर रहा हूँ। ऐसा मूड नहीं हो रहा है ज्यादा, ऐसा रिफ्रेशिंग नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। और पैच देखो कितने रखे हैं अभी हमने। सारे पैच दे दिए मौसी को है ना। कोई और क्या क्या दिया? रोन दादा को दिया क्या? इधर खराब हो जाते ना रे धक्के, क्या ही करेंगे उसको रख के। आज ऐसा लग रहा है वर्कआउट करने चला जाओ भाई, तब जाके रिफ्रेशमेंट आएगी थोड़ी मुझे। ऊपर से ना काम भी नहीं हो रहा यार, मतलब काम है मेरे पास और वो जो इशू था ना मेरे पास वो 2 वीक पहले देखा था मैंने, और लास्ट वीक तो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं वो जो इशू देख रहा था वो मैं भूल गया। अभी मुझे वो रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, वो प्रॉपर मतलब लोगों से फिर से पूछना पड़ रहा है कि अरे मुझे बताओ फिर से, क्योंकि उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था मीटिंग वगैरह, तो इसके वजह से वो लिंकिंग लगने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वही और ऐसा हो जाता है तो फिर दिमाग सटक जाता है, फिर ऐसा लगता है रिवर्क हो रहा है ना, वो चीज़ें हो रही हैं। और गाइस सुनील का चैनल तो एकदम जोरों शोरों से शुरू है, 2,000 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे। मौज कर रहा है भाई, मुझे लगता है मेरा चैनल जल्दी आगे पीछे छोड़ देगा। तू तुम्हारा चैनल कैसे पीछे छोड़ेगा, जितने तुम्हारे व्यूवर है सारे में कोई नया नहीं आ रहा है। आएंगे आएंगे लोग आएंगे। बैक टू द वर्क गाइस, काम करना पड़ेगा अभी फिर से। तो गाइस गेट पे आ चुके सुनील, पायल और मम्मी, ये तीनों मुझे छोड़ के बाहर चले गए थे, मुझे अकेला छोड़ के घर में। वाओ क्या लाए? शॉपिंग भी करके आए। उनके लिए कपड़े लाए क्या? उनके लिए दो नए कुर्ती लाए। ओ माय गॉड, किधर गए थे? कुर्ती लाए। मैं तो बोल रहा था वो मेरे साथ नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर। मैं आज छुट्टी लेने वाला था ना तो मैंने छुट्टी नहीं ली जब सिरोड जाने के लिए, तो गुस्सा आ गया उसको, बोल रहे मुझे नहीं लेने, पर अभी लेके आ गई तुम लोगों के साथ। मैं तो बोल रहा था उसको लेके जाऊंगा तुमको, पर वो मान ही नहीं रही थी। उनके हस्बैंड कैसे, क्योंकि वो तो 9 महीने से रह रही है साथ में, रह रहा हूँ मुझे पता है, तो लेके गया उनको शॉप में। क्या खाया बताओ? मम्मी बोल रहे सुबह से पकोड़े। ये पूरन पूरी जब खाते ना दिन भर ऐसे, मतलब दूसरा कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। हाँ बॉडी थोड़ी सी ऐसी स्थूल हो जाती है, ऐसा सोने का मन करता है। स्थूल मतलब क्या होता है? एक बार बाहर गए 1,000 रुपए चले गए, इसलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। राइस फिलहाल यहाँ पे खाना हो रहा है, और खाने में आज ये चिप्स मम्मी ने लाए थे, राइस है और ऊपर डाला है पिठलं, मराठी शब्द है पिठलं, बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में पिठलं और भाकरी, और पिठलं और राइस भी बोलते कभी कभी खाते हैं लोग। हाँ पर मम्मी का जरूरत है इसलिए मम्मी को ये खाना पड़ रहा है। हाँ महाराष्ट्र में आप आओगे इसको झुनका भाकर, इसको बाजरे की रोटी के साथ जब खाते ना पिठलं को, तो उसको बोलते हैं पिठलं भाकरी, और उसको और एक वर्ड है झुनका भाकरी। पायल पायल आज जरा ज्यादा गुस्से में लग रहे है, क्या हुआ है पायल?
Hey guys, finally इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है। अभी हम लोगों को सबको सोना है और आज के दिन में आपने देखा हमारी नॉर्मल सी लाइफ क्या होती है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आप ज्यादा कुछ दिखाते नहीं हो। अभी मेरा डेली लाइफ है यार, डेली ब्लॉग्स होने वाले वो वही होते हैं, तो इसमें कुछ नया हटके कुछ स्कोप होता है तो दिखाता हूँ मैं, अगर नहीं तो ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ, अरे भाई ये देखो घर वाले बोर हो रहे हैं देख लो तुम, पर मैं तो वीडियो डालता रहने वाला हूँ भाई। मैं मतलब मैं एट द एंड अपने खुद के लिए भी कंटेंट बना रहा हूँ, तो देखो आपको पसंद आता है चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग्स, बाय बाय। पहले कैसे कुर्ती लाई यार, दिखाओ अरे थोड़ा दिखाओ भाई पायल को देखो कितना, अरे 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 दिखाओ कौन सा वाला है, दिखाओ। दरवाजा बंद कर लूंगा, अंदर घबरा जाएगी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel.